नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आज की हमारी वीडियो का जो प्रोडक्ट है वो डिवोशनल है, रिलीजियस है, धर्म कर्म के काम में आने वाली चीजें हैं। तो बिना देरी किए हुए लेते हैं शंभू जी का नाम, ओम नमः शिवाय, और चलते हैं सीधे प्रोडक्ट्स की ओर। तो पूजा पाठ में काम आने वाले प्रोडक्ट्स हैं। इसमें आपको दो प्रकार के ज्योतों के स्टैंड मिल जाएंगे। इसमें आपको शिव जी महाराज मिल जाएंगे, शिवलिंग जी मिल जाएंगे, और आपको अगरबत्ती स्टैंड मिल जाएगा। एक एक करके हम प्रोडक्ट्स की ओर चलते हैं। इस वाली जो ज्योत है, ये वाली, इसमें जो इसका जो डिज़ाइन है वो शिवलिंग की तरह दिया हुआ है। इस कंसेप्ट में बनाया हुआ ये ज्योत का डिज़ाइन है। नीचे जिसका जो बेस आ गया वो सारा का सारा टोटली वाइड आ गया, जैसे आप देख सकते हो। उसके ऊपर ये जोत बनी हुई है, आगे वाला पार्ट चपटा बना हुआ है। मीन जो शेष नाग है उसको, उसकी फील देने की कोशिश की गई है। उसमें शेषनाग जी की आपको छत्रछाया ऊपर से जोत को मिलती रहेगी, जो आप जोत इसके अंदर लगाओगे। और इसका जो बाउल है जिसमें जोत लगेगी वो भी डीप है, जैसे आप देख सकते हो कि अंदर से काफ़ी डीप है। इसमें कोई घी डाल के आप जोत लगाओगे तो 5-6 घंटे जोत बड़े आराम से चल जाएगी। बाकी आपके घी के ऊपर डिपेंड करे कितने टाइम के बाद आप घी डालोगे, किस प्रकार से आप डालोगे। इसमें आपको ये वाला डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा, और पीछे से ये कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ये शेषनाग जी की छत्र का डिज़ाइन आ गया, और यहाँ से इसको सपोर्ट दिया हुआ है स्क्रू की मदद से। ये इस पे यहाँ पे फिक्स किया हुआ है, जो निकलेगा नहीं। अगर आप खोलोगे इस प्रकार से तो ये निकल जाएगा। वो नीचे वाला स्टैंड भी अगर आपने खोलना है तो स्क्रू की मदद से ये भी खुल जाता है, यहाँ से निकल जाएगा। अगर आपने रीअसेंबल करना है, इसको खोल के रखना है सफाई के लिए। ये तो रहा जोत के लिए। उससे जो अगला हमारा डिवोशनल आइटम का प्रोडक्ट है वो यूनिवर्सल कहा जाएगा। मीन्स आप इसके अंदर जोत भी, अखंड जोत होती है जो लंबे समय के लिए चलती है, वो भी लगा सकते हैं आप इसके अंदर। अगर आपने गूगल धूप, गूगल इसके अंदर डाल के लगानी है वो आप इसके अंदर लगा सकते हो। अगरबत्ती डाल के लगानी है वो भी आप इसके अंदर लगा सकते हो। इसका जो प्लस पॉइंट है वो आप देखने को देख सकते हो, इसके अंदर आपको वुडन का हैंडल मिल जाएगा। और ये इसका यहाँ से इस प्रकार से यहाँ पे डिजाइनिंग में आपको इसका ये वाला पार्ट मिल गया हैंडल का, जिसके साथ ही हैंडल वुडन का हैंडल लगा हुआ है। ऊपर से ये फ्लावर शेप में मिल जाएगी आपको, मीन जिसमें जो जो पंखुड़ियाँ की तरह डिज़ाइन बना हुआ है। मेन जो ये वाला जो डिज़ाइन है ये आपको आरती के टाइम में काम देगा। मीन जैसे आपने आरती करनी है किसी प्रकार की, आपको हैंडल से, आपने हैंडल को इसे यहाँ से पकड़ लेना है, और शिव जी या भगवान, जिस भगवान की आप आराधना करते हो, उसको मानते हो, उसके आगे आपने अगर ऐसे इसको आरती को देना है तो आप आरती दे सकते हो। और इजिली इसमें इसलिए वुडन का हैंडल दिया था जो गर्म ना हो, पकड़ने में आसानी रहे। इस प्रकार से आप अपनी आराधना पूरी कीजिए और भगवान को याद कीजिए। इसमें आपको दो साइजेस मिल जाएंगे, ये जो बड़ा साइज और ये वाला छोटा साइज। इसमें आपको दो साइजेस आपके दो रूटीन में काम आएगा, मंदिर में पूजा पाठ के काम में। उससे जो हमारा अगला जो प्रोडक्ट है वो है, प्रोडक्ट नहीं कहेंगे हम इसको, जो अगली जो हमारी चीज़ है वो है शिवजी भगवान, शिवलिंग हम इसको कहेंगे। इसमें आपको दो तरह के शिवलिंग मिल जाएंगे, एक छोटे शिवलिंग जी और बड़े शिवलिंग जी। इसमें आपको ठोस पीतल का बना हुआ है, सारे के सारे प्रोडक्ट ही पीतल के हैं, ठोस पीतल का बना हुआ है, भारी वजन में है, अच्छा है। नीचे से आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा, ये सारा का सारा ठोस है, ये भी ठोस है सारा का सारा। और यहाँ से इसमें अगर हम जल विसर्जन करेंगे शिवलिंग के ऊपर, यहाँ से इसका जो पॉइंट दिया हुआ है ये वाला, इस पॉइंट से निकल के जो जल है वो नीचे आ जाए। छोटे वाले शिवलिंग की जो हाइट है वो 3 इंच के लगभग है, और जो बड़े वाले शिवलिंग जी हैं उनकी जो हाइट है वो 4 इंच के लगभग है। आप अपने मंदिर में, पूजा स्थान में कोई भी शिवलिंग स्थापित कीजिए जो आपको सूटेबल लगता है, यूज आपको डेली पूजा अर्चना में जो सही काम आएंगे वो आप इसमें, आप अपना इसमें स्थापित कर सकते हो। इसमें आपको दो प्रकार के साइज हमारी तरफ से आपको देखने को मिल जाएंगे, और काफ़ी ठोस है, जैसे मैं कह रहा हूँ वजन में भी काफ़ी भारी है,
ऐसे गिरने की कोई किसी प्रकार की दिक्कत आपको इसमें नहीं आएगी। उससे जो हमारा अगला प्रोडक्ट है डिवोशनल आइटम्स में, वो है अगरबत्ती स्टैंड। इसमें आपको पीतल का ही अगरबत्ती स्टैंड मिल जाएगा। इसमें आपको मैं नीचे को खोल के दिखा देता हूँ, ये इसका बेस आ गया सारा का सारा। इसको आपने ऐसे रख देना है, इस ऊपर की इसकी स्टिक आ गई, अंदर से सारी खाली है। जैसे कि आप देख सकते हो अंदर से सारी की सारी ये खाली है। ये इसका स्टैंड आ गया ये वाला। इसमें आपको 1, 2, 3, 4, 5 अगरबत्ती आप इसके अंदर लगा सकते हो। नीचे से ये खाली है, चौड़ा बना हुआ है, इस प्रकार से ये बना हुआ है। ये वाला सारा का सारा पार्ट अंदर से खाली है, इसको आप इसके ऊपर लगा दीजिए और जो अगरबत्ती की फ्रेग्रेंस है, जो उसका जो धुआं होता है, वो यहाँ से जो ये वेंट होल्स दिए हुए हैं अलग अलग डिजाइनिंग में, पंखुड़ी की तरह जो डिजाइनिंग में होल्स दिए हुए हैं, उसमें से ये सारी की सारी फ्रेग्रेंस जो होगी, जो धुआं होगा, वो यहाँ से निकल जाएगा। लास्ट में जो इसका ऊपर वाला जो कवर है वो भी इसके अंदर से निकल जाता है। जैसा कि आप इसके अंदर देख सकते हो, इसका जो होल है ऊपर से आप खाली भी छोड़ सकते हो, अगर आपको धुआं ऊपर से आपको इसके निकालना है। अगर आपको जल्दी है तो इसको खोल दीजिए, जो धुआं होगा, फ्रेग्रेंस होगी, वो ऊपर से निकल जाएगी और आप इसको दोबारा से भी इसके अंदर लगा सकते हो। इसमें आपको सिंगल साइज ही मिलेगा, क्वालिटी बहुत बेहतर है और आपको रूटीन में डिवोशनल काम में बहुत मज़ा आने वाला है। इसका जो प्लस पॉइंट जो है वो मैं बताना रह गया, इसके अंदर जो अगरबत्ती की जो सामग्री बचती है जलने के बाद, जो राख होती है, वो इसके अंदर ही आपकी स्टोर हो जाएगी। जो राख होगी इसके अंदर रह जाएगी, आप उसको जैसे जो बर्तन में आप आगे निकालना चाहते हो तो उसमें आप निकाल सकते हो। खिड़ेगी नहीं, इधर उधर गिरेगी नहीं, आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। चाहे आप अपने ऑफिस टेबल के पास इसको रख लीजिए, किचन में रख लीजिए, कहीं भी आप इसको जहां आपका मन करता है रखने का वहां पर रख सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज की डिवोशनल रिलीजियस वीडियोस के प्रोडक्ट के ऊपर बना हुआ कंसेप्ट। आपको आगे भी इस तरह के और भी नए नए प्रोडक्ट्स हम आपके तरफ लेके आते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए ताजो, आप नए से नए आइटम्स आपको मिलती रहे हमारी तरफ से। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।